विवादित बयान देकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी डिग्री को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। अमेठी लोकसभा सीट से दायर नामांकन पत्र में उन्होंने बताया कि वो ग्रेजुएट नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ग्रेजुएट नहीं है। उन्होंने खुद इसका ऐलान अपने नए हलफनामे में किया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते वक्त दिए गए ब्यौरों में उन्होंने साफ किया है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। इसके मुताबिक उन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लिया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाईं। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर विपक्षी दल बार बार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन वो ऐसे दावों को हमेशा नकारती रही हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता बीए बताई थी। 2011 में राज्यसभा चुनाव का पर्चा भरते वक्त बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार से बीकॉम पार्ट वन किया है। 2014 में अमेठी लोकसभा सीट से दायर नामांकन पत्र में कहा कि उन्होंने डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट वन किया था। अमेठी लोकसभा सीट से दायर अब नए हलफनामे में लिखा है कि उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट वन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने उनके अलग अलग हलफनामों के फोटो के साथ ट्वीट किया है, रिफ्रेशर कोर्स सुधार द मंत्री वर्जन, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। पिछले इतने सालों से गलत एफिडेविट देश के सामने लाए जा रही हैं, इस ये सोचकर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा। और साथ ही साथ मैं यही पूछना चाहती हूं कि अपनी गलत रिकॉर्ड एक लीगल एफिडेविट में डालना क्या ये ऑफेंस नहीं है सेक्शन 124, 125A के अंतर्गत? और सेक्शन 33 के साथ अगर इसको पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि उनके पास अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।